ओके, असाइनमेंट टू स्टैंडर्ड थ्री मैथमेटिक्स का ऑलरेडी असाइनमेंट वन कंप्लीट हो गया है, अभी असाइनमेंट टू। ओके, क्वेश्चन वन में क्या करना है, मैच द न्यूमरस विथ देयर करेक्ट नंबर नेम्स। यहाँ पे सिर्फ नंबर दिया है, इस सेट उसके नंबर नेम्स दिए हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैचिंग करना है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। द फेस वैल्यू ऑफ द थ्री इन 4379, क्या करना है उसमें से, हमें क्या करना है, थ्री का फेस क्या है वो यहाँ पे करना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ द इन द 9783, यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखना, किसका लिखना है, नाइन का। द प्लेस वैल्यू ऑफ द जीरो इज ऑलवेज, द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो ऑलवेज क्या होता है, उसका हमें आंसर लिखना है। द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इज, फोर डिजिट नंबर का लार्जेस्ट नंबर क्या है वो लिखना है हमें। द प्लेस वैल्यू ऑफ द थ्री इन 4354, यहाँ पे प्लेस थ्री का प्लेस वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बाय प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रकार है उसके हिसाब से। तो जीरो प्रॉपर्टी, वन प्रॉपर्टी, इटसेल्फ प्रॉपर्टी, उसके द्वारा हमें ये फिल इन द ब्लैंक क्या करना है, कंप्लीट करना है। 38408+0, तो जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना है। इसी तरह ये पूरे फिल इन द ब्लैंक क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। ओके, क्वेश्चन थ्री, ग्रुप द नंबर एंड ऐड। ये जो ग्रुप नंबर है, यानी कि उसका हमें डायरेक्टली भी नंबर लिख सकते हैं, अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो उसका कॉलम पर हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 256, 418, 400, 220, इस तरह से हम कॉलम बना के भी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। और यहाँ पे फाइंड ए मिसिंग डिजिट नंबर, वो भी कितने मार्क्स के, फाइव, ये डिजिट नंबर।